क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने गुरुवार को अवैध सुगंधित तंबाकू बेच रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के कारण पुलिस विभाग की ओर से पूरे शहर में तगड़ा बंदोबस्त रखा गया था। इसी के चलते क्राइम ब्रांच यूनिट की एक टीम पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी टीम को पता चला कि दही बाजार झाड़े चौक स्थित रूपेश पान मंदिर पर रूपेश नामक व्यक्ति अवैध सुगंधित तंबाकू ला रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के कारण पुलिस विभाग की ओर से पूरे शहर में तगड़ा बंदोबस्त रखा गया था। इसी के चलते क्राइम ब्रांच यूनिट की एक टीम पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी टीम को पता चला कि दही बाजार झाड़े चौक स्थित रूपेश पान मंदिर पर रूपेश नामक व्यक्ति अवैध सुगंधित तम्बाकू ला रहा है। सूचना मिलते ही यूनिट 3 टीम ने छापा मारकर आरोपी को रंगे हाथ धर दबोचा। पुलिस ने इस कार्रवाई में तंबाकू के साथ ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की है, जिसमें ये अवैध माल लाया गया था। पुलिस ने कार्रवाई में 80 किलो सुगंधित तंबाकू जब्त किया है, जिसकी कीमत 44,000 बताई जा रही है। कार्रवाई में गाड़ी समेत कुल 5,44,000 का माल जब्त किया गया है। ये जे शासनाने प्रतिबंधित केलेली सुगंधित तंबाकू आहे तो त्या ठिकाणी घेऊन येणार आहे। त्यानुसार आम्ही पंचासमक्ष त्या ठिकाणी छापा मारला तर तो स्कॉर्पियो गाडीसह मिळून आला आणि त्याच्यामध्ये ही जी प्रतिबंधित केलेली तंबाकू आहे, सुगंधित तंबाकू जिचं नाव रिमझिम असं आहे, त्यासह तो आम्हाला मिळून आला। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।